हेलो फ्रेंड्स, मैं रागनी आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं बाजू का डिज़ाइन। जो देखिए, हमारे 9 इंच का रेडी होगा, तो 1 इंच प्लस करके हम कटिंग कर लिए हैं। और देखिए, उसके बाद से मेन फैब्रिक पर भी रख के आपको कटिंग कर लेना है। जितना बॉर्डर है उतना छोड़ के आपको मार्किंग कर लेना है। हम 2 ही कट यहाँ पर डालेंगे बाजू में। तो देखिए, हम 6 इंच का बीच में, देखिए इतना हम छोड़ते हुए मार्किंग कर लेंगे। और बीच का जो हमारा एरिया होगा वो 6 इंच रेडी होगा, यानी 3-3 इंच पे हम 2 कट डालेंगे। तो इसका सेंटर मार्किंग कर लेते हैं। 3 इंच इस साइड हो गया हमारा। अब हम एक पेस्टिंग पेपर का पीस लेंगे जो हमारा 4 फोल्ड में है। दोनों बाजू के लिए हमारा एक ही साथ कट के लिए निकल जाएगा। देखिए, तो 6 इंच उसमें रखे थे, तो 6 इंच इसमें रख लेंगे और 1-1 इंच दोनों साइड से एक्स्ट्रा ले लेंगे। और देखिए, इसका भी सेंटर मार्किंग कर लेंगे 3 इंच पे, क्योंकि 2 कट हमें बनाना है 3-3 इंच का। तो सेंटर मार्किंग कर लेंगे इसका भी। अब फिर इन दोनों का हम सेंटर मार्किंग करेंगे, यानी कि 3-3 इंच पे हमारा है। तो हम फिर 1.5-1.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे, ताकि हमारा इसका सेंटर कहाँ है पता चल जाए। उसके बाद से देखिए, इसमें हम देखिए चौड़ाई में हमें कितना लेना है, 1 इंच से 2 पॉइंट कम लेना है। हमें पतला ही कट डालना था। अगर आपको चौड़ा कट डालना है तो आप 1 इंच भी ले सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। इसको आराम आराम से मिला देंगे एक दूसरे के साथ। देखिए, इस तरह से आपको बिल्कुल राउंड में शेप देना है। अब बराबर से देना है कि दोनों कट हमारा एक ही बराबर आए। अब इसके बाहर से हमें 1 इंच से थोड़ा सा कम पेस्टिंग पेपर को मार्क कर लेना है। उतना एक्स्ट्रा छोड़ के हमें कटिंग कर देना है मार्जिन छोड़ते हुए। देखिए इस तरह से। अब जो अंदर का जो हम ड्राइंग किए हुए थे, मार्किंग किए हुए थे, उसको भी हमें कट कर लेना है। बाजू पे हमें नहीं कट करना है। अब देखिए क्या करना है आपको। देखिए, दोनों पीस हमारा कितना प्यारा निकल गया, सेम एक ही बराबर। अब हम एक अस्तर का टुकड़ा लेंगे और इस पर इसको, अगर आपके पास प्रेस है तो आप प्रेस से भी चिपका सकते हैं, नहीं प्रेस है तो आप सिलाई करके इसे पक्का कर लें। देखिए, इस तरह से पूरे राउंड में हम सिलाई लगा देंगे और उसके बाद से हम इसे ब्लाउज पे अटैच करेंगे बाजू पे। इस तरह से आप बनाओगे तो फिर आपका डिज़ाइन छोटा बड़ा नहीं होगा और बहुत इजीली इस तरह से बन जाता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए, अच्छे से इसको फिक्स कर लेना है पूरे राउंड में सिलाई लगा करके। अगर इसका फ्रंट पार्ट का भी वीडियो आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल को। इसका जो फ्रंट का पल्ला है वो हम 3 पीस प्रिंसेस कट में बनाए हुए हैं। देखिए, अब साइड से जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको फोल्ड करते हुए एक सिलाई और लगा लेंगे कॉर्नर पे। पूरे राउंड में फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारी फोल्डिंग हो चुकी है। अब हम इसका सेंटर मार्किंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से। देखिए, आपको क्या करना है, अस्तर को मेन कपड़े के साथ ज्वाइंट कर लेना है। हमें ऊपर के साइड से अस्तर ज्वाइंट करना है और अंदर के साइड फोल्ड कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो वो फिनिशिंग से हमारा मोहरी बन जाता है, हमें तुरपाई पट्टी नहीं डालनी होती है। तो देखिए, एक सिलाई आप ऊपर के साइड लगा लें इस तरह से। देखिए, अस्तर को उस साइड करते हुए अस्तर पर हम एक सिलाई लगा लेंगे एक चाप का मार्जिन देते हुए और इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो देखिए, बहुत फिनिशिंग से हमारा ये फोल्ड हो जाता है। आपको बिल्कुल बराबर से, बॉर्डर पे स्टोन है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन आपको फिनिशिंग देते हुए कॉर्नर पर सिलाई लगा लेनी है। पूरे राउंड में हमें बहुत ही अच्छे से हाथ से फिनिशिंग देते हुए सिलाई लगानी है, नहीं तो जो हमारा मेन कपड़ा है उसमें सल पड़ जाता है तो फिनिशिंग नहीं दिखता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, पूरे कॉर्नर पे हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम कट करके निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से। अब हम देखिए क्या करेंगे, इसको 2 फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर मार्किंग करेंगे। देखिए, बिल्कुल सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम माप लेंगे कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है सिलाई करना। देखिए, ये जो दोनों कोनों को माप करके हम एक लाइन खींच लेंगे। अब हमें सेंटर मार्किंग मिल गया कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है सिलाई। देखिए, इसको सीधा रख लेंगे। जहाँ पर मार्किंग किए हैं वहाँ पर हमारा अंदर वाला कोना आना चाहिए।
अब बिल्कुल इसमें भी हम सेंटर मार्किंग कर लेंगे ऐसे फोल्ड करके, देखिए इस तरह से। और आपको एक बीच में सिलाई लगा देनी है ताकि आपका जो भी बाजू का डिजाइन हो बिल्कुल सेंटर में बने। देखिए यहाँ पे सुई पे रोकना है, और एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि आपको पेस्टिंग पेपर के ऊपर सुई नहीं चलाना है, पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साइड से सुई चलाना है। देखिए बिल्कुल साइड से हमें सिलाई देनी है, जहाँ हमारा कोना पड़ रहा है सुई को अंदर की तरफ रोक के हम फिर घुमा लेंगे, और आराम से राउंड में आपको सिलाई लगानी है। देखिए फिर कोने पर हम सुई को रोकेंगे और बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साइड से हम सिलाई लगा लेंगे, देखिए इस तरह से। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है, अब यहाँ पे कोनों को मिला लेंगे, अच्छे से कोना बना लेंगे यहाँ पे। अब क्या करना है, हमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके निकाल लेना है अंदर का, देखिए इस तरह से। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकालने के बाद से हम क्या करेंगे, साइड से नाखून से बैठा लेंगे, और नाखून से बैठाने के बाद से हम इसे अंदर के साइड फोल्ड करेंगे। और कोना जो है किसी भी नुकीले चीज़ से, पेचकस से या कैंची से आप कोने को निकाल सकते हैं, देखिए इस तरह से, ताकि हमारा कोना बिल्कुल उभर के आए। इस तरह से आपको कोना निकाल लेना है कैंची की मदद से, देखिए दोनों साइड का आपको बिल्कुल बराबर से कर लेना है। नाखून से बैठाते हुए इसको अंदर के साइड फिनिशिंग से फोल्ड कर लेना है, देखिए। और एक चाप का मार्जिन देते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है पूरे राउंड में, ताकि हमारा फिक्स हो जाए अच्छे से। पूरे कोने पे राउंड देते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है, अब यहाँ सुई को निकालते हुए देखिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम एक बटन अटैच करेंगे जो हमारे कपड़े से बनी होगी, देखिए ऐसे कपड़े में रखना है आपको, जो भी आपके बॉर्डर के कलर का हो, देखिए। और इसे ऐसे बिल्कुल फिनिशिंग हाथ से कर देना है, इसको गोलाई में थोड़ा सा एक दो बार राउंड कर देना है, और आप चारथा धागा डालिए सुई में, और बहुत ईजीली ये बटन बन जाता है, बहुत प्यारा भी लगता है। आप जिस कलर का चाहें उस कलर का बटन बना सकते हैं। इसको राउंड में आपको दो तीन राउंड करके इसको फिक्स कर लेना है, और यहाँ से सुई से बांध लेना है, और एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल लेना है। देखिए कितना ईजिली हमारा ये बटन बन के रेडी हो गया। अब आपको क्या करना है, अंदर का जो कपड़ा है वो कटा हुआ उसको थोड़ा सा फिनिशिंग कैंची से दे देना है, और बाकी जो आप चार तरह धागा सुई से डाले हो उससे आपको फिक्स कर लेना है कपड़े को। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारा बटन बन के रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, चार तरह धागा डालेंगे, और अंदर से आपको सुई से को निकालना है, नहीं तो आपका जो गांठ होता है ऊपर की साइड दिखने लगेगा। देखिए इस तरह से इसको तीन चार बार सुई को घुमाते हुए फिक्स कर लेना है। अब यहाँ हम बटन अटैच करेंगे, तो इस तरह से हमारा बहुत ही प्यारा लुक बनता है। देखिए बटन अटैच हो जाने के बाद से बहुत ही सुंदर लगेगा हमारा बाजू का डिज़ाइन। अगर आप चाहें तो उसे तीन लेयर में भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे में क्या बॉर्डर था, बाजू नॉर्मल साइज़ का था, 9 इंच का ही रेडी करना था हमको, इसके लिए दो ही हमारे में फिक्स हो पाया। देखिए इस तरह से कितना प्यारा बन के रेडी हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और छोटा सा रिक्वेस्ट है चैनल